कोरोना वायरस फैला हुआ है, और इसके फैलने से ना क्या हुआ है, लोग ऑब्वियसली डरे तो हुए ही हैं, बट इसके साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रिकॉशंस भी साथ में ले रहे हैं। साफ सफाई की प्रिकॉशंस, हाइजीन की प्रिकॉशंस, बहुत सारी चीज़ें हो रही। कितने लोगों को आप मास्क पहन के घूमते हुए देख रहे हो इस टाइम पे। बट क्या हो रहा है, आप ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं इस वायरस को कॉन्टैक्ट करने के, वो हैं हैंडशेक के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट लोग अवॉइड तो कर रहे हैं, बट उसके साथ क्या हो रहा है, एक चीज़ आप बहुत मेजर है जो भूल रहे हो, फ़ोन आपका हमेशा आपके साथ होता है। अगर आपने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है और यही फ़ोन आप किसी और के हाथ में देते हो, बहुत बार होता है यार, दिखाइयो क्या चीज़ है, और आप किसी और के हाथ में दे देते हो, या कोई आपका फ़ोन यूज़ करता है कॉल करने के लिए, एनीथिंग। जैसे ही फ़ोन किसी और के हाथ में गया और फिर वही फ़ोन वापस आपके हाथ में गया, तो वो जो वायरस है उससे भी ट्रांसफ़र बड़े आराम से हो सकता है। बिकॉज क्या होता है, जो फ़ोन की स्क्रीन्स होती है ना, जो स्क्रीन्स होती है, वायरस जो है स्क्रीन पे आके अगर एक बार बैठ जाए या कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी भी स्मूथ सर्फेस से या स्क्रीन से या प्लास्टिक से, तो वो वहाँ पे कम से कम 7 से 9 दिन तक रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली साफ़ करके रखो। तो फ़ोन को साफ़ करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, दो चीज़ें हैं जो आप अपने पास रख सकते हो, हैंड सैनिटाइज़र ऑफकोर्स एक चीज़ है। हैंड सैनिटाइज़र के अलावा, अब कई सारे केमिस्ट में मुझे ये भी सुनने को आ रहा है कि हैंड सैनिटाइज़र आउट ऑफ स्टॉक हो गए बिकॉज हर कोई सडनली पहुंच गया हैंड सैनिटाइज़र खरीदने के लिए। मान लो वो चीज़ ना मिले, तो आप अपने लिए एक अल्कोहल स्वाब खरीद सकते हो। अल्कोहल स्वाब भी किसी भी केमिस्ट में बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। अल्कोहल स्वाब होता क्या है, ये छोटे छोटे पाउचेस से होते हैं। इन छोटे पाउचेस में क्या होता है, इनमें ना हार्डन्ड सा कॉटन होता है, और इस कॉटन को ये सोप कर देते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में या इथाइल अल्कोहल में। ये दोनों के दोनों क्लेंजिंग अल्कोहल्स हैं, क्लेंजिंग फ्लूइड्स हैं। इसको आप यूज़ करो अपने फ़ोन को साफ करने के लिए, सिंपली जस्ट स्क्रब इट ऑल ओवर द फ़ोन, और फ़ोन के चारों कॉर्नर्स में भी इसको कर दो, और स्क्रीन को भी आप इसी से ही साफ़ कर सकते हो। जो ये क्लॉथ है ये आपके फ़ोन में स्क्रैचेस नहीं लाएगा, बट एट द सेम टाइम इट विल वेरी इजीली क्लीन इट एज वेल। यूजली हमें कभी हाथ पे या कहीं पे अगर घाव हो जाए, कोई चोट लग जाती है छोटी मोटी चोट के लिए, तो यही चीज़ यूज़ करते हैं उसको साफ़ करने के लिए। सो इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट एज अ क्लेंजिंग टेक्निक। तो ये हो गया अल्कोहल स्वाब, जिसको आप यूज़ करके अपने फ़ोन को साफ़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने फ़ोन को एक और चीज़ से साफ़ कर सकते हो, विच इज़ ऑब्वियसली द हैंड सैनिटाइज़र। बट हैंड सैनिटाइज़र सीधा फ़ोन पे अगर आप नहीं स्प्रे करना चाहते, तो फ़ोन को साफ़ करने के लिए ना एक लिंट फ्री क्लॉथ ले लो। लिंट फ्री क्लॉथ क्या होता है, जो कपड़ा आप यूज़ करते हो अपने चश्मे को साफ़ करने के लिए, बड़ा ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ये, सनग्लासेस साफ़ करने, चश्मा साफ़ करना है, इस क्लॉथ को आप यूज़ करो फ़ोन की स्क्रीन को भी साफ़ करने के लिए, बिकॉज ये जो है आपकी फ़ोन की स्क्रीन में कोई भी स्क्रैच नहीं लेके आएगा। इस पे वेरी सिंपली आप इसको ये स्प्रे कर दो, एंड स्प्रे करने के बाद जस्ट रब इट ऑल ओवर योर फ़ोन, स्क्रीन की तरफ कर दो, मतलब एक मिनट भी नहीं लगता है साफ़ करने के लिए, बट इट इज़ डेफिनेटली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो ये कुछ दो बड़े ही सिंपल तरीके हैं जिनसे आप अपने फ़ोन को साफ़ रख सकते हो। हाँ, इसके साथ ज़रूरी है कि आपके हाथ भी साफ़ हो, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हैं और फ़ोन आप साफ़ कर रहे हो, तो आप पॉइंटलेस प्रोसेस है पूरा का पूरा। सो दीज आर थिंग्स दैट यू मस्ट डू डेली, फ़ोन को साफ़ करो डेली। मेरा मतलब ये नहीं है कि दिन में एक बार कराओ भूल गए, इसको रेगुलरली किसी की और के हाथ में गए कहीं पे भी अगर गंदी जगह पे मान लो फ़ोन गिर गया कुछ भी हुआ, तो उसके बाद उसको डेफिनेटली साफ़ करो, बिकॉज फ़ोन जाता है सीधा मुंह के पास। तो ज़रूरी है ये साफ़ रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो, स्टे सेफ स्टे क्लीन, और हैंडशेक्स डेफिनेटली अवॉइड करना।